हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? ऑप्शन है जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य या केंद्रिका द्रव्य। तो सही आंसर है हमारा ए, यानी जीव द्रव्य। दूसरा प्रश्न है, जीव द्रव्य किनसे मिलकर बना होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, अन्य कोशिकांग, उपर्युक्त तीनों। तो सही आंसर है डी, उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? अमीबा, हाइड्रा, माइकोप्लाज्मा, WBC। तो राइट आंसर है सी, माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, यह भी हमें याद रखना है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती है, यह भी हमें याद रखनी है। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, उपर्युक्त तीनों। तो सही आंसर है डी, उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप में, जीवाणु में, विषाणु में या ए व बी दोनों में। तो सही आंसर है डी, यानी ए व बी दोनों में। हमारा 6 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का साइज क्या है? तो 0.3 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर, 0.01 माइक्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ए, यानी 0.3 माइक्रोमीटर। नाल एवं रुस्का ने किसकी खोज की थी? दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, परमाणु सूक्ष्मदर्शी। तो सही आंसर है सी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। कोशिका के मूल घटक कौन से हैं? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। यानी कोशिका के जो घटक हैं वह कोशिका झिल्ली भी है, केंद्रक भी है और कोशिका द्रव्य भी है। अगला प्रश्न है, अंतः प्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की? यानी अंतः प्रद्रव्य जालिका इसे बोलते हैं, अंतः प्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की? तो जॉर्ज पैलेट, के आर पोर्टर, कार्ल बेंडा और एस्पेलेंजनी। तो सही आंसर है बी, यानी के आर पोर्टर। अगला प्रश्न, गुणसूत्र की खोज किसने की? जोहानसन, वाटसन, रॉबर्ट ब्राउन, वाल्डेयर। तो सही आंसर है डी, वाल्डेयर। शेष प्रश्नों को हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो यदि यह प्रश्न आपको अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।